हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने चेतन दास के परिवार के बारे में पढ़ा था। वो अपने अम्मा और बाबा के साथ एक गांव में रहता था पहले। उसके बाद उसके घर में कुछ चेंजेस आए, उन्हें गांव छोड़कर शहर आना पड़ा और वहां आकर उन्होंने अपना एक मिट्टी का घर बनाया। उसके बाद जब चेतन दास की शादी हुई, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, तब उसने अपने घर को पक्का बनवाया और उसके बाद भी उसके घर में बहुत बदलाव हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। मोर चेंजेस, और भी बदलाव। माई टू सन्स एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। टाइम पास्ड, द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़। 15 ईयर्स अगो आर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पल्लव। एंड व्हेन राजू वॉज टू गेट मैरिड, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्रेक। मेरे दो बेटे, चेतन दास कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए और समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई और 15 साल पहले हमने अपनी बेटी सिमी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नए दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करवा लें। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेट ब्रिक, वी आल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटन फॉर द रूफ। वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। द किचन वॉज मेड बिगर। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। तब तक हमारे घर गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था। पक्की ईंटें आ चुकी थी, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई और छत पर लैंटर डलवाया गया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का करवा लिया गया। टॉयलेट में भी एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया जहां पर वहां से जो वेस्ट है वो पाइपों से निकल जाए। और रसोई घर पहले से बड़ा करवाया गया। राजू की जो वाइफ थी अब वो बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती थी। उसके बाद और भी नई चीज़ें देखने का मौका मिला। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लग गई तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब जाता हूँ तो रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी बहुत ऊंची। कुछ सालों पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया, अपने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली और नहाने की जगह पर फिजूल इतना सारा पैसा इस्तेमाल किया। अब मैं 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती जब बड़े होंगे तो कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसा है मकान होंगे और मेरे सभी दोस्त कहाँ पर होंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। आपके जो आपका मकान है उसमें किन किन चीज़ों से वो बना है वो आपको बताना है। तो जनरली वो ब्रिक्स, सीमेंट और आयरन रॉड्स का बना होगा। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। इज देयर एनी डिफरेंस राइट अबाउट इट। पता करो कि आपके दोस्त का मकान जो है वो किन किन चीज़ों से बना है और दोनों में क्या क्या अंतर है वो भी लिखो। तो मेरे दोस्त का जो मकान है वो भी पक्का बना हुआ है और वो भी सीमेंट, आयरन रॉड और ब्रिक्स का बना हुआ है। वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। और आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार चेतन दास के जो पोता पोती होंगे वो बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। तो आई थिंक दे विल लिव इन बिग एंड हाई राइज बिल्डिंग। वो एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे। और आप भी बताइए कि आप बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करेंगे। तो होपफुली आप भी बड़ी सिटीज़ और बहुत ही बड़े ब्यूटीफुल बंगलों में रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय जो उनके मकान थे उनमें बनने वाली चीज़ें जो थी उनका
आपको बताना करना है कि वो क्या क्या चीज़ें थी और क्या उनमें से कुछ चीज़ें आपके घर में भी इस्तेमाल हुई हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो दादाजी के घर में मिट्टी के ही बना हुआ था और हमारा जो घर है वो सीमेंट का पक्का बना हुआ है। केवल लकड़ी जो कि दादाजी के भी घर में इस्तेमाल होती थी और हमारे घर में भी इस्तेमाल हुई है। Now look at the picture and fill in the table. What kind of work is being done by different people here? चित्र में देखो और नीचे एक टेबल गिवन है, उसमें आपको लिखना है कि यहाँ पर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और किन किन औजारों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तो कौन कौन यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर पर्सन है पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर है मैसन जो कि हैमर और आयरन पैन से काम कर रहा है। प्लम्बर है जो कि पाइप कटर और से काम कर रहा है और पाइप की फिटिंग कर रहा है। इलेक्ट्रीशियंस हैं जो बिजली के तारों को एडजस्ट कर रहा है और घर में होने वाली सारी फिटिंग्स को कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, डू यू नो पीपल हु डू दीज टाइप्स ऑफ वर्क, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। क्या आप भी अपने आसपास के ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं और उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो और इसके बारे में अपने फ्रेंड से भी चर्चा करो। और तो इसके बाद मैं भी एक ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी, तो मैंने वहाँ पर देखा व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ पर क्या बन रहा था, वहाँ पर एक घर बन रहा था। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ पर 10 से 12 लोग काम कर रहे थे। एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डू, वो किस तरीके का काम कर रहे थे, वो जो लोग थे वो वहाँ पर घर को बनाने वाला एक सुपरवाइज़र था और एक मिस्त्री था, उसके हेल्पर्स थे जो कि सीमेंट को मिक्स करके और पानी के साथ सीमेंट को मिक्स करके रोड़ी वगैरह के साथ और घर को बना रहे थे। और वहाँ पर एक ऑपरेटिंग क्रेन भी था और अदर मशीन्स भी थी। इसके बाद हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देयर, वहाँ पर 4 से 5 औरतें और 6 से 7 आदमी काम कर रहे थे। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, वॉट आर दे डूइंग, वहाँ पर बच्चे, क्या बच्चे काम कर रहे थे, नहीं बच्चे काम नहीं कर रहे थे वहाँ पर। हाउ मैनी मनी, हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। यूजुअली उन लोगों को 500 से 800 रुपये है डेली आप उन लोगों को काम के लिए दिया जाता था। एंड वेयर डू दीज पीपल लिव, ये लोग कहाँ पर रहते थे, इनमें से कुछ लोग तो टेंट में रहते थे और टेंट जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पर टेंट बनाकर रहते थे और कुछ लोग अपने घर वापस चले जाते थे। ट्राई एंड गेस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, तो कम से कम 100 बैग्स ऑफ सीमेंट और 10 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था उस घर में। How do the material reach the building site by truck, handcart, any other vehicle? List them. तो सारा material जो था वो टेम्पो और ट्रक से आया था। Next, find out the price of 1 bag of cement. तो लगभग 1 bag cement का जो price है जो मैंने उस समय पता किया था वो 550 रुपये था और 1 brick का जो price था वो 5 से 8 rupees का था और 1 truck of sand का जो price था वो 8,000 से 10,000 था। सो हेयर इज द एंड ऑफ part 2। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।